हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स वही एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और लिख रखे हैं जो कि CBSE और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सिंगल मार्क के न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे से हैं, तो पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद में हमारी जो बुक में न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन थ्री मीडिया A, B and C are 15 degree, 25 degree and 35 degree respectively. In which medium would the velocity of light be minimum? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। For the same value of angle of incidence, मतलब I की वैल्यू सेम है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है। तो आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बोला कि भैया ऐसा है, एक मीडियम है, पहला मीडियम A मान लेते हैं, वैक्यूम से लाइट आ रही है, ठीक है, और इस वैक्यूम से लाइट आने पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट वाले ए मीडियम के लिए इस लाइट का एंगल जो है दैट इज 15 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट वाले मीडियम के लिए, ए के लिए। सेकंड वाले के लिए वो बात कर रहा है, सेकंड वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ही है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन 15 की जगह रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो चुका है, 25 डिग्री हो चुका है। और थर्ड वाले के लिए क्या बोल रहा है वो, सी के लिए क्या बोल रहा है, सी के लिए बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी वही है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है 35 डिग्री। और बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, हम सिंपल सा बोलते हैं कि जब लाइट रे रेयर से कहां पर आती है, डेंसर पर आती है, तो फिर लाइट रे उस डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती जाती है, ऐसा ही है। चलिए, और वो जितनी ज़्यादा नॉर्मल के पास में आती जाएगी वो ये बताएगा कि वो मीडियम कितना डेंसर है। अगर वो ज़्यादा पास में आ रही है इसका मतलब मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर वो कम पास में आ रही है तो फिर हम बोलते हैं कि मीडियम डेंसर है लेकिन इतना भी डेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो सबसे कम होगा क्योंकि बहुत पास में आ जाएगी, है ना, नॉर्मल के पास में आ जाएगी, तो वहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मीडियम अगर देखा जाए, ए मीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, और सबसे कम डेंस कौन सा है, सी मीडियम है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज मच हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम एंड टू द सी मीडियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सी का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ऐसा है बच्चों तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी है, क्या भाई, किस तरीके से, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू पर्टिकुलर मीडियम। तो फिर इसको ऐसे ही लिखो, मैंने इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, फिर इसके लिए लिख दिया और फिर इसके लिए लिख दिया, बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या। चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/VA, ये 1/VB और 1/VC में टर्म हुआ। अगर मैं इसको चेंज करूं VA, VB और VC में, तो फिर ये साइन चेंज हो जाना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू ए मीडियम इज मच लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू बी मीडियम इज मच लेसर देन द लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू सी मीडियम, ठीक है। अरे सीधी सी बात है रे बच्चों, इतना ज्यादा नहीं दिमाग में लगाओ, उतना ध्यान में रखो, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा लाइट की वेलोसिटी उतनी कम होगी, समझ रहे हो, है ना। अगर लेट सपोज करो किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है, किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, और फिर आपको पूछे कि भैया लाइट की वेलोसिटी सबसे कम कहाँ होगी, तो भैया जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था इसलिए यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, सबसे कम है। और मैथमेटिकली और लॉजिकली अगर आप देखें तो ये लिखने का तरीका सबसे बेहतर है, इससे बेहतर लिखने का तरीका नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, इस तरीके से काम करके आए, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा अगले के ऊपर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, नहीं तो ध्यान में रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से क्या हो जाता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट रेज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम एंड हैविंग द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपल है,
देखो क्या बोल रहा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू लाइट रेज, है ना, कब, जब उनकी वेवलेंथ कितनी हो, एक की 4000 है, एक की 8000 है, कंडीशन अप्लाइड मीडियम कौन सा दे रखा है, देखो सामने देखो, वैक्यूम। चलो यहां पर गौर करने लायक वर्ड जो है बच्चों, समझना आपको क्या बोलना है, इस वाली लाइट की स्पीड और इस वाली लाइट की स्पीड, है ना, इनका रेशियो देखना है। अगर मैं इस वाली लाइट की स्पीड को बोलूं v1 और इसकी लाइट की स्पीड को बोलूं v2, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, v1 डिवाइडेड बाय v2। बताओ कितना आएगा, पहले सच अच्छी बताओ आपको कितना लग रहा है, कितना आ रहा है, सोच लिया आंसर। चलिए अब आंसर देखो क्या होगा, यहां पर ये समझिए कि वो बात कर रहा है लाइट की, और कहां पर बात कर रहा है, वैक्यूम में, लाइट की बात कर रहा है वैक्यूम में। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव है बच्चों, है ना, ये बात तो क्लियर है। अगर EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया में कितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो लाइट रे हो, ठीक है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की स्पीड फिक्स है, देखता हूँ कितनी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहाँ, वैक्यूम में, ठीक है। तो अगर इसकी भी बात करें तो इसकी भी स्पीड इतनी है वैक्यूम में, है ना, और अगर इसकी बात करें तो इसकी भी स्पीड इतनी है वैक्यूम में, तो बोल रहा है वो दोनों की स्पीड सेम है, तो रेशियो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, रे 1:1। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बात ध्यान में रखना, गौर कीजिए, वो बात कर रहा है लाइट की, और मीडियम कौन सा दे रखा है, वैक्यूम का दे रखा है, वैक्यूम में सभी लाइट्स की स्पीड सेम रहती है, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.3 और 9.4 भी आज हम डिस्कस कर देंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9.3 जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, देखिए, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, है ना, एक टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है, कहां तक, 12.5 सेंटीमीटर तक। द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of the water? बहुत सिंपल है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी 9.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो बोला कि एक टैंक है ना, और उस टैंक में क्या फिलअप है, वाटर फिलअप है, कितनी पर्टिकुलर हाइट तक फिलअप है, आंसर है एक्चुअल हाइट कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज एक्चुअल हाइट और एक्चुअल डेप्थ ऑफ द टैंक, ठीक है। यहां पर कोई निडल रख रखी है उसने, ठीक, और उस निडल को जब किसी माइक्रोस्कोप से अपन देख रहे हैं, तो वो निडल जो है वो कहां दिखाई दे रही है, कुछ पर्टिकुलर दूसरी हाइट पे दिखाई दे रही है, ऊपर की ओर दिखाई देती है, ऐसा होता ही है, वाटर टैंक को जब भी आप देखते हो तो उसका बॉटम जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो एक्चुअल नीडल यहां पर थी, दिखाई कहां दे रही है, यहां पर दे रही है, कितने सेंटीमीटर के ऊपर, दैट इज 9.4 सेंटीमीटर अपरेंट हाइट है, ये अपरेंट डेप्थ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए जो भी मीडियम इस टैंक में भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, लेट सपोज कीजिए दैट इज म्यू, ठीक है, और वो कितना होगा, उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटा दो और ये 9.4 है, आप डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाटर का पर्टिकुलर एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ये बात। तो चलिए ये फर्स्ट केस है इसका, कौन सा केस है बच्चों, फर्स्ट केस है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, वापस से वही टैंक है और वाटर की जगह क्या है 1.63 का refractive index का एक दूसरा लिक्विड भर दिया, चलो कितनी हाइट तक भरा हुआ है वो देखो, अप टू द सेम हाइट येल्लो भैया। सेकेंड सिचुएशन में वो बोल रहा है कि अब जो नया लिक्विड आप यूज कर रहे हो
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है और वो 12.5 सेंटीमीटर तक ही फिलअप है, दोनों पहले इक्वली है, ठीक है। By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अब नीडल तो पहले से यहीं पे रखी हुई थी, और कोई वाटर या कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है तो सीधी सी बात है वो कहाँ की ओर दिखाई देगा, नीडल ऊपर की ओर दिखाई देगी, कितना ऊपर की ओर दिखाई दे पहले तो वो, ठीक है। और जितना ऊपर की ओर दिखाई दे उसी के हिसाब से हमें माइक्रोस्कोप या तो ऊपर की ओर लेकर के जाना पड़ेगा या नीचे की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, बात समझ में। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये लिक्विड फिल करने पर वो नीडल दिखाई कहाँ दे रही है, पहले ये भी तो पता चले। तो हमने बोला यही फार्मूला यूज करो लेकिन अपरेंट डेप्थ का, इस बार पहले ये तो पता चले कि नीडल दिखाई कहाँ दे रही है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हमने बोला फॉर्मूला इस बार है अपरेंट डेप्थ का इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विच इज फिल्ड इन टू टैंक। रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ इज 12.5 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू कितनी 1.63। देवताओं डिवाइड दे सकते हो क्या, चलो मेरे पास में कैलकुलेटर है मैं डिवाइड देके देख लेता हूँ कितना आता है। 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63 दैट इज 7.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहाँ दिखाई दे रहा है, यहां पर, और ये डिस्टेंस कितनी है 7.6। गौर करो पहले 9.4 पे था, नीचे थी, अब कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर खिसक गई ना, कितना ऊपर की ओर खिसकी भैया, 9.4 में से 7.6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ऊपर की ओर। अगर अपरेंट हाइट इतनी खिसकी है तो आपको माइक्रोस्कोप भी तो उतना ही खिसकाना पड़ेगा, उतना ही तो ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है, माइक्रोस्कोप एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। और वो कितना होगा, अपरेंट डेप्थ फर्स्ट केस दैट इज 9.4 माइनस अपरेंट डेप्थ सेकेंड केस 7.6 लिख रहा हूं मैं, या 7.7 लिख देते हैं अपन, ठीक है। कितना आएगा भैया, सब्ट्रैक करके देख लो कितना आएगा, -9.4 ये आएगा 1.7, इतना आएगा, इतने बैठना चाहिए। इतना माइक्रोस्कोप को कहां की ओर लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर, है ना, इतना माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की ओर चला गया ना, पहले यहां पे 9.4 पे था अब 7.6 पे आ गया, तो ये निडल जो ऊपर की ओर दिखाई दी, तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप को भी कहां की ओर लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में क्लियर है, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये सबसे सिंपल सवाल है, ये आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देता है तो फिर ये क्वेश्चन 2 मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिंगल मार्क का क्वेश्चन नहीं, सिंगल मार्क का आता तो यहीं तक आता, ये डबल मार्क का क्वेश्चन हो गया, दो अलग अलग कैलकुलेशन सॉल्व करवा रहा है आपको, ठीक है। जल्दी से इस चीज़ को उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लो। हाँ बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन 9.4 का थोड़ा बहुत एलैबोरेशन पहले ही कर दिया, डायग्राम पहले बना दिए, क्वेश्चन का ही पार्ट है ये डायग्राम भी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 9.34 ए एंड बी, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद नॉर्मल टू ए ग्लास एयर एंड वाटर ग्लास इंटरफेस। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए वाले केस में एयर टू ग्लास जा रही है लाइट, और सेकंड वाले में एयर टू वाटर जा रही है। बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन से पता चल जाएगा इंसिडेंट रे कहाँ पर है, इस वाले में यहाँ पर है, इस वाले में यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर रेस्पेक्टिवली प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री इन केस थर्ड। सी, वाटर में इंसिडेंट एंगल कितना लिया है लाइट का, 45, तो फिर आपको ग्लास में प्रिडिक्ट ही करना है, एग्जैक्ट नहीं बोला है उसने, ठीक है। विद नॉर्मल टू द ग्लास, सॉरी वाटर ग्लास इंटरफेस इन डायग्राम 9.34 सी, ये सी में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को कैलकुलेट करने को बोला है, दैट इज प्रिडिक्शन ओनली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं, ऑनलाइन ऑलमोस्ट निकाल लेंगे, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। चलो तो क्वेश्चन हट गया होगा, देखो सबसे पहले वाला सिनेरियो, अगर लाइट रे के लिए इंसिडेंट यहाँ पर एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर, स्नेल्स ला लगा सकते हैं। स्नेल्स ला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर,
इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम हर बार यूज करेंगे भाई। देखो साइन आई मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन आर, आर की वैल्यू कितनी 35। बात समझ में आई क्या? सॉरी साइन तो खाई गया मैं, यहाँ पर आएगा साइन 35। ठीक है, तो कुल मिलाकर के साइन 60 की वैल्यू अपन रख सकते थे लेकिन रखेंगे नहीं। ग्लास के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा ही लेकर के चलेंगे। हमें पता होता है 1.5 होता है, उससे भी काम कर सकते थे लेकिन करना नहीं है अपन को। ठीक है चलो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35। साइन 35 मैं यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रख नहीं रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, आगे भी साइन 60 मिल रहा है मेरे को। चलो यहाँ देखो, यहाँ वाले में एयर इधर है, वाटर इधर है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 60 है और आर की वैल्यू 47 है। तो हमने वही काम किया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया रे भाई, साइन आई की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज साइन 47। बात समझ में आई? यहाँ पर देखो फर्स्ट मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से है और रिफ्रेक्शन इधर जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम किसका बच्चों, वाटर का, सॉरी ग्लास का, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये। ठीक, अब लिखने का थोड़ा सा और तरीका समझिए, इसको जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एयर और दैट इज इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35। ठीक है यहाँ तक ठीक है, इसको देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा ही है, इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 47। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूँ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे वो देखो, मैं इसमें इसका डिवाइड लगा रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एयर और सेकंड क्या थी म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर। देखो तो क्या होगा, साइन 60 डिवाइड बाय साइन 35 और यहां पर है वापस से साइन 60, देखो कट रहा है, डिवाइडेड बाय साइन 47, ऐसा ही है क्या, कैंसिल हुआ नहीं हुआ, ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ, देखो क्या हो रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इज इक्वल्स टू कितना, साइन 47 ऊपर जाएगा क्या बच्चों और साइन 35 नीचे रहेगा क्या, अरे रहेगा नहीं रहेगा, आ गया क्या ये बताओ, अरे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर नहीं लिख सकते क्या, अरे लिख सकते हैं ना, अरे काहे को इतना वो रहे हो, ये डिवाइडेड बाय यही तो करना था और क्या करना था, है ना, म्यू टू वन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, मैं वही तो लिख रहा हूँ। ठीक है चलो देखो, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर कितना भाई, साइन 47 डिवाइडेड बाय साइन 35, ये तो वैसे सारे एंगल ही नहीं पता, साइन आई इस वाले केस में कितना है, साइन 45 डिवाइडेड बाय क्या, साइन आर जो कि कैलकुलेट करना है, गौर करो 45 के पास है 47 है, चल रहा है, तो आर की जगह 35 के अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है क्या ये, लगभग, तो हम बोलेंगे कि आर की वैल्यू जो, अरे गौर करने वाली बात है, अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं, 45 और 47 में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आर और 35 वाली वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये जो आर की वैल्यू ना ऑल इन ऑलमोस्ट 35 डिग्री है, ऑलमोस्ट, ठीक है, वैल्यू रख लो साइन 47 साइन 35 साइन 45 की, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी साइन यूनिवर्स में जाकर के, लेकिन मैं तो ऑलमोस्ट बता रहा हूँ कि ये आर की वैल्यू इसके नियर अबाउट है, 35 के नियर अबाउट है, ये शायद 32 भी हो सकती थी, ये शायद 38 भी हो सकती थी, नियर अबाउट लेकिन 35 है। ठीक है ये बात ध्यान में रख लेना, बात समझ रहे हो, कंपेरिजन से ही हमें थोड़ा बहुत आइडिया बैठ जाएगा, कंपेरिजन से आइडिया बैठ जाएगा, चलिए तो इस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं कि R की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 35 है, ये 38 भी हो सकती थी, ये 32 भी हो सकती थी, 33 भी हो सकती थी, 37 भी हो सकती थी, है ना, इस तरीके से काम करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि जो ये डेटा है ना ये वाला,
ये या तो दिया हुआ हो, साइन यूनिवर्स में वैल्यू आपको पता हो, तब जाके काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि बच्चे इसे कहाँ तक काम कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो बुक के हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले में अपन TIR से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।